अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं तमाम दोस्त। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। एक अकाउंट की वीडियो तो आपको मैं पहले दे चुका था, और अभी एक आपको वो दूसरे अकाउंट की वीडियो दिखाने लगा हूँ। ये न्यू अकाउंट है, और इस न्यू अकाउंट की थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें जी, ये अकाउंट है, और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। पहले यहाँ पर शो होता है डेली ROI, यानी कि जो आपको डेली अर्निंग आती है, वो अभी मेरी 15 दिन वेट के बाद आएगी। लॉस्टेड ROI, यानी कि जो दिन आप नहीं देखेंगे ऐड, उस वक्त जो लॉस होगा वो यहाँ पे शो होगा। जो आप डायरेक्ट रेफरेंस करते हैं वो यहाँ पे शो होंगे, और जो उनका बोनस डायरेक्ट आएगा वो यहाँ पे शो होगा। नीचे टीम बोनस में जो आपकी टीम काम करती है वो शो होगी, और रिवार्ड जब आप रैंक अचीव करते हैं ना, तो रैंक अचीव करने का जो बोनस है वो यहाँ पर शो होगा। और एक्सचेंज बोनस जो है, यानी कि जब आप किसी की एंट्री लगाते हैं अपने बैलेंस से, तो उस पर एक्सचेंज बोनस मिलता है, जैसे कि यहाँ पर $3 मिला भी हुआ है, तो वो यहाँ पर शो होगा। उसके बाद आप टोटल इन्वेस्टमेंट ये देखें, 3300 की है, और 3000, यानी $3000 यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है। एक्सेप्टेड अर्निंग उसकी, यानी कि $6435 आएगी रोज़ाना, $15 आएंगे, और वो 15/11/2020 से स्टार्ट है, और 30/3/2020 तक। टोटल जो अभी तक विड्रा किया ये 327 है, और इसके अलावा ये जो टोटल अर्निंग हो चुकी है वो 2297, यानी 2300 है, और 1970 अभी अवेलेबल बैलेंस है। और ये नीचे रैंकिंग की डिटेल भी है, और आप किसी को ज्वाइन करवाना चाहते हैं तो ये आपका लिंक है, इसको आपने यहाँ से करना है कॉपी। और ये देखें, योर लिंक हैज़ बिन कॉपीड, तो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। अगर आप फेसबुक पे किसी को शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ से फेसबुक वाले ऑप्शन से कर लें, व्हाट्सएप से शेयर करना है तो व्हाट्सएप पर कर लें, और यहाँ से आपका न्यू यूज़र ज्वाइन करेगा। अब आते हैं जी, बहुत सारे लोगों को ये नहीं समझ आती कि हमने इसको यूज़ कैसे करना है अकाउंट को, और उसमें अपना वो डेटा कैसे डालना है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जाना है हमने, यहाँ पे साइड बार में जहाँ पे आप पिक्चर नज़र आ रही है, यहाँ पे आपको यूज़र नेम भी और सारा शो हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें जी, यहाँ से सेटिंग पर जाना है हमने। यहाँ पे देखें, सेटिंग में हम जाएंगे तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा नाम लिखना है, यहाँ पे आपने यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना है, जैसे कि G7 बैरियर टाउन इस्लामाबाद लिखा हुआ है, कंट्री लिखना है, ब्लॉकचेन एड्रेस लिखना है, अपनी ईमेल लिखनी है। अब यहाँ पे आप अपनी जो है ना बैंकिंग डिटेल डालेंगे, अकाउंट टाइटल, यानी कि जो आपके अकाउंट का नाम है वो आप यहाँ पर डालेंगे। जैसे मैंने अभी पुट नहीं की हुई, यहाँ पर मैं वो डालूँगा, अकाउंट टाइटल पुट करना है, अकाउंट का फिर नंबर यहाँ पे लगाना है, बैंक का नाम पूरा लिखना है, उसके बाद ब्रांच का नाम लिखना है कि वो ब्रांच किस जगह पे वाकई है। अगर मिसाल के तौर पे UBL बैंक है तो ये UBL बैंक कौन सा है, कराची का है, इस्लामाबाद का है, और अगर इस्लामाबाद का है तो कौन से रोड वाला है। इसके अलावा उसका ब्रांच का एक कोड होता है 4 रुकनी, वो 4 अदद एक कोड होगा, वो एक आपने यहाँ पर लगाना है। स्विफ्ट कोड इंटरनेशनल लोग लगाएंगे, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। IBN जो है वो लगाएंगे, IBN नंबर वो लगाएगा जो आपका जो आप चेक के ऊपर आपके लिखा होता है PKU इस तरह करके, तो वो एक नंबर होता है, वो आप यहाँ पे लिखेंगे, और अपना मोबाइल नंबर, पासवर्ड, और यहाँ पे सीक्रेट पिन लगाएंगे। और यहाँ पे चॉइस फाइल में जाके तो आप अपनी हर चीज़ को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे आप कर देंगे सबमिट, ठीक है। और यहाँ पे ये देखें, योर प्रोफाइल हैज़ बीन अपडेटेड, ठीक है। ये तो हो गया प्रोफाइल को अपडेट करने का तरीका। अब आ जाते हैं जी, आप डेली ROI जो आप ऐड देखेंगे वो यहाँ पे देखेंगे। संडे की छुट्टी होती है तो यहाँ पे देखें अभी शो नहीं हो रहे। और उसके बाद आप पिन जनरेशन पे जाते हैं तो पिन जनरेट यहाँ से होगी। ये देखें, जनरेट पिन, मेरे पास 1970 का बैलेंस है, कुछ पिन मैं ऑलरेडी बना भी चुका हूँ। यहाँ पे देखें, आप जो भी पिन बनाना चाहते हैं आपके सामने यहाँ पर पैकेजेस की लिस्ट आ जाएगी, आप उस लिस्ट में से कोई पैकेज जो आपने बनाना है वो आप बना के जनरेट पिन करेंगे, और वो यहाँ पर शो भी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर शो हो जाएगी, और ये देखें, 110 की पिन बनाई, $1 डिस्काउंट, यानी कि वो मुझे रिवार्ड बोनस मिला। अच्छा, यहाँ पे आपको ये भी पता चल जाएगा कि वो पिन यूज़ हुई है कि नहीं। जैसे मैंने अभी 3 पिनें बनाई हैं, ये अभी यूज़ नहीं हुई, ये मैंने अभी सेल करनी है, मैंने किसी वक्त भी कर दूँ तो ये जब जो पिन यूज़ हो जाएगी उसकी डेट यहाँ पर मैंशन हो जाएगी, यूज़ डेट में, जिस डेट में हमने इसको बनाया था वो डेट आपके सामने नज़र आ रही है, और नॉट यूज़ का ऑप्शन भी लिखा आ रहा है। जिस वक्त ये यूज़ हो जाएगी तो यहाँ पर डेट के साथ यूज्ड का स्टेटस हो जाएगा। विड्रा फंड में जाते हैं, ये देखें जी, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आप अपनी अमाउंट लगाएंगे, यहाँ पे अपना वो TP आप वो अपना जो भी इसका होता है हिसाब किताब, मिसाल के तौर पे ये अमाउंट आप यहाँ पे कोई भी लिखेंगे, और यहाँ पे आप अपना वो पासवर्ड लगाएंगे, सीक्रेट पिन जो आपने रखा है, और आप विड्रा कर लेंगे, और यहाँ पर ट्रांजेक्शन फ़ीस, डेट और स्टेटस यहाँ पर आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगा।
ठीक है। और यहाँ पे आगे चलते हैं जी, ROI आपकी यहाँ पे आपको शो होगी और जब आपके आना स्टार्ट होगी 15 दिन के बाद। और उसके बाद यहाँ पे आते हैं जी टीम बोनस में। टीम बोनस में जाएं, ये देखें जी यहाँ पे बहुत सारे लोगों के जो है ना वो नाम लिखे हुए हैं, और ये देखें ये टीम बोनस आया हुआ है, रेफरल्स लिखे हुए हैं, और उनका जो बोनस आया है वो यहाँ पे ये देखें, ये जितना जितना आया है ना, जिस जिस डेट को आया है तो वो लिखा हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं जी हम नेटवर्क ट्री में। नेटवर्क ट्री ये देखें, इस अकाउंट के नीचे 82 लोग हैं, ये मेरा सेकंड अकाउंट है, इसके नीचे 82 लोग जो हैं वो ज्वाइन हैं। और इसी तरह फ़ंड हिस्ट्री में आ जाते हैं जी। फ़ंड हिस्ट्री में ये देखें, पेड यानी कि ये मैंने जो विड्रा किए हुए हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। और उसके बाद हम आ जाते हैं जी रिवार्ड के ऊपर। रिवार्ड अभी यहाँ पे रैंक अचीव नहीं हुआ, तो जो रैंक अचीव होगा तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा। और रेफरल रिपोर्ट यानी जो लोग इसमें डायरेक्ट ज्वाइन करवाए गए हैं वो ये देखें यहाँ पे हैं, जींस पैकेज के साथ, और जो उसका रिवार्ड बोनस आया है, ठीक है। तो ये है जी इसका बड़ा ज़बरदस्त सा सिस्टम, और बहुत आसान है इसको इस्तेमाल करना, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप भी इसको ज्वाइन करें और अपनी इनकम में इजाफ़ा करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।